नमस्कार दोस्तों, भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मुकाबला खेलना है और ये मुकाबला भारत के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ तो भारत वर्ल्ड कप से बाहर होगी और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब क्या करना होगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और कैसी होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को हराते हुए सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तब पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हो गया है। इस साल के T20 वर्ल्ड कप में दर्शकों को रोज ही बड़े रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप टू में अभी सेमीफाइनल के लिए दो टीमें तय नहीं हुई है। पाकिस्तान टीम ने अपने चार मुकाबले में से दो में जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रनों से हराया, इससे पाकिस्तान टीम के चार अंक हो गए हैं। पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होगा, वहीं भारत का आखिरी मैच जिम्बाब्वे से होगा। अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे से मैच हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खुल जाएगा और जिम्बाब्वे भारत को हराती है तो भारत 6 पॉइंट्स वाली अटकी रहेगी और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हराती है तो पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट भारत से काफी अच्छा है तो वो भारत से आगे निकल जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी है। एक तरफ जहां टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करके आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी तो वहीं लगातार दो मैचों में हार का सामना करने वाली टीम जिम्बाब्वे के लिए भारत का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच भिड़ंत मेलबर्न के मैदान पर होगी। ये मैच रविवार 6 नवंबर को खेला जाएगा और मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसका टॉस 1 बजे होगा और इसकी लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर देख सकते हो। दोस्तों, टीम इंडिया को पॉइंट टेबल में टॉप पर बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। ऐसे में हमें इस मैच में टीम के प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले मैच में जिसने खराब प्रदर्शन किया था उसे टीम से बाहर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी। ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। KL राहुल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे, वहीं चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे। दोस्तों, इसके बाद छठे नंबर पर हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अभी तक इस वर्ल्ड कप में कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं, वो बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। वहीं पिछले मैच में उन्होंने कीपिंग में भी कई गलतियां की थी। ऐसे में यहां पर कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा और पंत की टीम में आने से भारत को एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का भी विकल्प मिल जाएगा जो कि टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके बाद सातवें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे, वहीं फिर आर अश्विन को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पर युजवेंद्र चहल की वापसी होगी। अश्विन ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, ऐसे में उनकी जगह पर युजवेंद्र चहल की टीम में वापसी होगी। दोस्तों, इसके बाद तेज गेंदबाजी में हमको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी को ही संभालेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है प्लेइंग 11? क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।